आपका शुभ नाम? भैरव सिंह कार्के। ये सर, ये नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में मतलब आपका है ना क्या विचार है सर? नई शिक्षा नीति 2020 जी, जो कि 29 जुलाई से प्रारंभ हो गई है जी, ये सरकार की ऐसी नीति है जी, जिसके तहत जी जो हमारे दूर गांव तक जी बहुत सारे बच्चे जी निरक्षर पड़े हुए हैं जी, करोड़ों करोड़ों बच्चे जी, उन सब बच्चों की अगर आवश्यकता बढ़ गई तो अवकाश लेकर के वो प्रशिक्षण भी ले सकते जी सर, और प्रशिक्षण लेकर के एक कुशल श्रमिक के रूप में वो खड़ा हो सकता है। ये बाकी जो ये शिक्षा पर अभी COVID-19 का ये कैसा प्रभाव न पड़ा है सर? अभी शिक्षा पर COVID-19 का तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जी, और ये तो पूरे विश्व के लिए एक संकट है। इसमें भगवान ने जो भी रचा है, लेकिन फिलहाल जी समाज की जो आवश्यकता है जी जी, आवश्यकता के अनुसार प्रकृति ने अपना रुख थोड़ा सा बदला है, तो मनुष्य का भी स्वभाव बदला है। मनुष्य ने अपने आवश्यकता अनुसार अपने को तैयार कर लिया जी, और इस तैयारी के साथ जो है आज हम विद्यालय में न होकर के हम बच्चे के साथ घर पर भी जी, और बच्चों के साथ घर पर रह करके हम उनके माता पिता उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको सींचने का काम कर रहे हैं। हम भी यहाँ से विद्यालय से ऑनलाइन जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें अध्यापक अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, पूरा मानसिक श्रम लगा रहे हैं, और चाहे वो वर्चुअल क्लास है चाहे वो वीडियो है जी, और अन्य सब प्रकार से जी जो भी है पूरा जी शिक्षा का जो महकमा है, जो हमारा मेन पावर है जी जी जी, वो पूरा पूरी तैयारी के साथ जी इस कोविड काल में जी बच्चे का पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो जी जी, ये प्रयास सतत जारी है और ये जारी रहेगा जी 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 जी, और ऐसे ही सपनों गांधी जी के सपनों का भारत जी आगे ऐसा लगता है जी जी, कि जो बेरोजगारी है जी 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 वो बेरोजगारी